हम जानते हैं कि करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर डायनासोर ही रहते थे, लेकिन इस धरती पर डायनासोर से भी पुराना जीव है खूबसूरत जेलीफिश। माना जाता है जेलीफिश का जीवन समुद्र में 65 करोड़ साल पहले ही शुरू हो चुका था। ये तमाम समुद्र में है, समुद्र की गहराई में भी है और ऊपरी सतह पर भी दिख जाती है। समुद्र की गहराई में कुछ जेलीफिश तो इतनी रोशनी करती हैं कि उस रोशनी में काफी दूर तक समुद्री जीव दिखाई देते हैं। ये समुद्र में रहती हैं, इस कारण हमारा ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती। समुद्र में अगर बिना स्पेशल जैकेट पहने किसी व्यक्ति का इस मछली से सामना हो जाए तो उस व्यक्ति की हालत बिगाड़ देती है। समुद्र में एक दो नहीं बल्कि हजारों तरह की जेलीफिश है और सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत। ये तुम्हें किसी रंग बिरंगी छतरी या पैरासूट की तरह ही दिख जाएंगी। बेहद खूबसूरत दिखने वाली जेलीफिश की जिंदगी बहुत छोटी होती है। हाँ, पानी और प्रोटीन से बनी और चमकती हुई जेलीफिश एक साल से अधिक तो बिल्कुल नहीं जी पाती, बल्कि कुछ जेलीफिश तो थोड़े ही दिनों में अपने परिवार और ग्रुप को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। जिस तरह हमारे शरीर में 70% का पानी भाग होता है, उसी तरह इसके शरीर में 90% से अधिक पानी होता है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि जेलीफिश के सबसे बड़े ग्रुप में 1 लाख सदस्य होते हैं। जेलीफिश का जीवन समुद्री जीवन चक्र के लिए काफी उपयोगी होता है। वैसे तो जेलीफिश के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन होशियार और छोटी छोटी रंगीन मछलियाँ इसके आस पास खुद को सुरक्षित महसूस करती है। जेलीफिश का मुँह अंदर की तरफ बीच में होता है। जेलीफिश की 24 आंखें होती हैं। जब यह तैरती है तो इसकी लंबाई औसतन 6 फीट होती है और इसका वजन भी 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके टेंटेकल्स काफी लंबे और खतरनाक होते हैं। गोवा के एक समुद्र के किनारे छुट्टियां मना रहे लोग अचानक शिकार बनने लगे। 2 दिनों में करीब 90 लोगों को एक समुद्री जीव ने डंक मारा। तत्काल इनका इलाज किया गया। जब जहरीली मछलियों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही थी। जेलीफिश सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक होती है, लेकिन इनमें से एक प्रजाति बेहद खतरनाक होती है। इस प्रजाति की जेलीफिश ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक समुद्र में मिलती हैं। ये चौकोर डिब्बे जैसे दिखते हैं, इन्हें बॉक्स जेलीफिश भी कहते हैं। इनके टेंटिकल्स यानी सूंड में जहरीले डार्ट होते हैं। ये डार्ट एक वयस्क इंसान को चंद मिनट में मार सकते हैं या फिर इससे उनका दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इनके शरीर में 90% तक पानी होता है। जानवरों के समूह का एक नाम होता है, लेकिन जेलीफिश के समूह में 3 नाम हैं। जेलीफिश के समूह को ब्लूम, स्मैक व स्वार्म कहते हैं। अगर आपको जेलीफिश काट ले या डंक मार दे तो सबसे पहले उसके डंक को संभाल कर बाहर निकालें, उसके बाद गर्म पानी डालें। अगर डंक का असर ज्यादा हो तो शख्स बेहोश होने लगे तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाएं। जेलीफिश मछली नहीं होती है। जेलीफिश के नाम से जरूर फिश लगा है, लेकिन ये मछली नहीं होती है। मछलियों के शरीर में हड्डियां होती हैं और वो पानी में रहती हैं, और वो पानी में रहने के लिए गिल्स का उपयोग करती हैं, जबकि जेलीफिश बिना हड्डियों की जीव होती है। इनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ये अपने मेम्ब्रेन के जरिए यानी त्वचा के जरिए ऑक्सीजन को सोखती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं।